तो भाई ने फैसला किया कि नया मोबाइल तो लेना ही लेना है, लेकिन नए मोबाइल के लिए चाहिए होते हैं पैसे जो मेरे पास नहीं थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक शो कर लिया जाए, लेकिन शो के लिए चाहिए होते हैं जोक्स, वो भी मेरे पास नहीं थे। फिर मैंने एक दोस्त मिला चावल साहब, लेकिन उसने बात एक बड़ी ज़बरदस्त कर दी। उसने कहा ब्रो अगर तुझे रियल लाइफ से इंस्पिरेशन चाहिए ना तो तू ट्रेवल कर। लो जी रात के 3 बजे मैं ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गया। तो भाई टिकट लेके बैठा रहा, 2 घंटे गुजर गए, ट्रेन नहीं आई। तो इस दौरान भाई को लगी भूख। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से किसी ने कभी स्टेशन में खाना खाया है? मिस किया आप लोगों ने। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग स्टेशन से ज़िंदगी में एक बार खाना ज़रूर खाएं। और यार तुम लोगों के लाइफ के बारे में कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे। भाई ने चाउमीन खाया है, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स, आतिफिशां का फटना, बिग बैंग थ्योरी, सब कुछ एक साथ फील हुआ मुझे अपने पेट के अंदर। मैंने सोचा 2 मिनट है, या तो भाग जाओ वॉशरूम की तरफ या फिर तुम्हारी ट्रेन यहीं पे छूट जाएगी। तो आपका भाई भागा सरपट और जाके पहुंचा है स्टेशन के वॉशरूम में, लेकिन वहां पे लाइट नहीं थी। वैसे खुदा का शुक्र है कि लाइट नहीं थी। उसके बाद आपका भाई भागा स्टेशन से बाहर, वहां पे एक बंदा बैठा था, उसने आवाज मारी छोटा 10 रुपये, बड़ा 20 रुपये। मैंने कहा भाई 40 रुपये पकड़, लेकिन किसी को ये ना बताएं कि रुमान यहाँ आया था। वॉशरूम जाकर मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी कमी है वो है आर्ट स्पेसेस की। मतलब वॉशरूम के अंदर मैंने वो शाहकार देखा है कि जिंदगी में कहीं नहीं देखा। ऐसा बड़ा बड़ा आर्टिस्ट वॉशरूम में आके सारा अपना आर्ट निकाल जाता है। मुझे यकीन है कि पिकासो ने भी अपने कैरियर का आगाज वॉशरूम से ही किया होगा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कैपिटलिज्म ने वॉशरूम में भी हमारी जान नहीं छोड़ी। लोगों ने अपने नंबर लिखे हुए थे और साथ में अपना इश्तिहार लगाया हुआ था, भैया के छोटे कबाब, वाकई बड़ा शवारमा, अचानक बिरयानी। लेकिन इस दौरान आपके भाई ने एक नंबर देखा, उस नंबर में ये खास बात थी कि उसके नीचे लिखा हुआ था ओनली फॉर लेडीज। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, यानी कि इतनी मुश्किल प्रोबेबिलिटी। फर्ज करो कि कोई लड़की आई, फिर उसको आई, बाहर आई, नंबर नोट किया, आके भाई को कॉल मिलाई, लेकिन कहेगी क्या, हेलो मैंने आपका नंबर जेंट्स टॉयलेट से नोट किया। भाई लोगों की मोहब्बत की कहानियाँ शुरू होती हैं, आपको छत पे देखा, आपसे शादी में मुलाकात हुई, आपसे लाइब्रेरी में टक्कर हुई, लेकिन ये लड़की अपनी सहेलियों को क्या बताएगी, हमारी मोहब्बत की दास्तान टॉयलेट से शुरू हुई थी। लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई, मैंने सोचा कि इस अजीम इंसान को क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए, लिहाजा मैं आज आप लोगों के सामने भाई को कॉल करूंगा और उसको क्रेडिट भी दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई आपकी वजह से मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैंने ये शो किया है। भाई का नंबर मैंने सेव किया हुआ है टॉयलेट गाय मोटिवेशनल स्पीकर कॉल जा रही है। ओए और ये सब स्क्रिप्टेड नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? जी मैं आपको जानता हूँ लेकिन आप हमें नहीं जानते। भाई 10 मिनट बाद कॉल करना, मैं अभी लैट्रिन में हूँ। ओ भाई ये तो बता दो कि लेडीज या जेंट्स। थैंक यू वेरी मच गाइस, ये था मेरा कॉमेडी सेट और मैं हूँ। Thank you.
पत्ते उड़े, पत्ते उड़ गए, दरख्त उड़ा, कबूतर उड़ा, शुतुरमुर्ग उड़ा। You guys are still here? Urdu. अब चलें या कैफे के बर्तन धो के निकलेंगे? चलो चलो पुत्र। भाभी आज कोई नया स्टाइल बना, मैं ना तेरी खजूरी चुटिया बनाती हूँ। वो लोग आ गए हैं यूनिवर्सिटी से। हैं? यूनिवर्सिटी से आ गए? अच्छा कंगी तुम। यूनिवर्सिटी से आ गए? आ गए यूनिवर्सिटी से। कब तक ऐसे ही बैठे रहना है? जो बात करनी है करें, वरना अपने कमरों में जाएं सारे। कोई चाय पिला दो, सर फट रहा है मेरा। हाँ हाँ ऐसे बताएं तो सही, हुआ क्या था? जो अपनी बहादुरी के किस्से ना वो सुना दे, आवाम सुबह से बेचैन बैठी है, बता। मैं बताता हूँ। हाय 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 पापी जी, कुछ ना पूछो। है ये क्या बात हुई? मतलब के खान साहब यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए हैं। ओ पुत्र इस तरह की बात इधर खड़े होकर सुनाते हैं बेटे? जी खान साहब सुनो, हम यूनिवर्सिटी गए ना। हाय 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 भाभी जी, कुछ ना पूछो। अब क्यों ना पूछे? अब्बा जी तुसी सुनाओ मुकाए बात। अब वही तो, खान साहब ने तो जाके गल ही मुका दी है। खान साहब यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं, हर जगह भेजा हो गई है। सुभान अल्लाह अब्बा जी, सुभान अल्लाह। सच्ची जो काम करने गए थे वो हो गया? वो जो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा हेडमास्टर था ना, वो खान साहब का वाइस काउंसलर। अब वही वाइस काउंसलर मुरीद निकल आया। हे अब्बा जी वाकई? और राजू आगे आगे। पहले तो ना वो खान साहब को पहचाना नहीं, ऐसे करके गुजर गया। फिर वो वापस आया, आके कहता है अमीर खान साहब आप मेरे ऑफिस के बाहर। हाय हाय हाय। फिर मजीद बोर ना कर आगे भी दस की है। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की अमले की दौड़े लगी है, और कोई यहाँ से कुर्सी ला रहा है, कोई सोफे से खड़ा हो गया खान साहब के लिए, कोई पानी ला रहा है, कोई चाय का कहा था मैंने। हाँ हाँ बना लेते हैं चाय, पहले पूरी बात तो सुने दे। अच्छा वो अफसर अब्बा जी को पहले से जानता था? अब्बा जी को ट्यूशन पढ़ाता था वो? नहीं नहीं वो तो खान साहब का फैन था, और सारी जवानी उसने खान साहब का थिएटर देखा है। और तो और उसको तो 20 साल पुरानी चुगते याद थी। सुभान अल्लाह भाजी, सुभान अल्लाह। जाहिर है जी अब्बा जी का दौर रहा है। भाभी जी उसके बाद असल खातिर मुदारत शुरू हुई है। इन्ने वड्डे वड्डे कप दूध मलाई चाह के और इतनी वड्डी ट्रे में शामी कबाब, वो मैंने जो गिनती की एक एक बंदे के चार चार शामी कबाब। सुभान अल्लाह चार चार शामी कबाब। अब उधर जो दो जेब में डाले थे वो भी सुनाओ ना। नहीं खान साहब वो तो फिर खा लिए थे ना। जारा पुत्र बैठ जा, पुत्र खाना लगाने लगे, खा के चली जाना। मैं खाना खा के आई हूँ और यूनिवर्सिटी का कुछ काम है वो करने जाना है। हेलो जी, आप तो यूनिवर्सिटी का हेडमास्टर वैस काउंसलर खान साहब का फैन निकल आया, अब क्या टेंशन है कम के? बेटा चाय बनाने जा रहे हो? करो बात सुन दे। अच्छा फिर? हाँ मतलब कि वो फिर खा लिए कि ऑफिस में ही हम बैठे रहे हैं। हाँ। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सारा काम ही बैठे बिठाए हो गया। इससे साबित हुआ कि खान साहब के जो फैन है ना, वड्डे वड्डे अफसर ऑफिस में, अगर वहाँ जाते नहीं तो पता ही नहीं लगना था।
तो अगर बैठे बैठे ही सारे काम हो गए तो फिर इस राजकुमारी का मुंह क्यों सूजा हुआ है? ऊपर थक गई होगी, ये पढ़ाई है वो आसान काम है। मैं भी रिक्शा चला के थक गया हूँ, कोई चाय पी लें तो। तो रात तक यूनिवर्सिटी क्या करते रहे? नहीं नहीं, उसके बाद तो हम वो बड़े वाले होटल पे गए थे। इसके दोस्त ने आना था मिलने के लिए। हाय, आप लोग होटल में बैठे थे? नहीं नहीं, हम बाहर बैठे थे, अंदर तो गए नहीं हम। तो फिर सड़क पे बैठे रहे थे? नहीं पुत्र, बात हो गई, रक्षे में बैठ गए थे क्या? कोई ऐसी बात नहीं, पर उतर के 10 रुपए के सिंगाड़े भी खाए हैं, फिर रक्षे में बैठ गए, खाते पीते रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब्बा जी रहन दे, आप जो मर्जी कर लेना, उसने खुश नहीं होना। वो कोई हुई है, शायद चाय पी के खुश हो जाए लोग। हैं दूध नहीं है घर में? नीचे दो जिब्बो गरीब शक्ल वाले बंदे हाथों में बंदूक क्यों उठाए, आपके बारे में पूछे। आप ना जाए, आप ना जाए, पुलिस को बताएं। तुझे भी कजरे पसंद है, ये तू लेके आई है? अच्छा वो खाना लग गया, आ जाओ। जी नहीं, खाना खाना है ना, खाओ। जारा
खाना लगने वाला रेडी होके आ जाओ। मुझे खाना नहीं खाना। अरे थोड़ा सा खा लेना, तुम्हारे लिए खास बनाया है। मैंने अभी हिनाहारा को बताया कि मुझे खाना नहीं खाना। अच्छा चलो ठीक है, तुम खुद ही आ जाना, फिर मुझे दोबारा ना आना पड़े, ठीक है? बेटा खाना क्यों नहीं खा रही वो, सर किसी ने कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यहां तो आपस में कोई बात ही नहीं करता। इतनी खामोशी होती है इस घर में, मुझे लगता है कि सुकून की डेफिनेशन है ये घर, ये पूरा खानदान। अगर पागलों को यहाँ लेके आया जाए तो मुझे तो लगता है 3-4 दिन में वो ठीक हो जाएंगे, इतना सुकून है इस घर में। वैसे आप लोग कभी बाहर गए यहाँ से? मतलब सड़क वड़क पे देखा तो होगा, गाड़ियाँ शाड़ी चलती हैं। क्या सीखा आप लोगों ने? क्योंकि मुझे तो नहीं लगा कि यहाँ पे किसी ने कुछ सीखा है, ना किसी बड़े को छोटे की तमीज़ है, ना छोटे को बड़े की तमीज़ है, और सब सब एक दूसरे के सर पे सवार रहते हैं, बस एक दूसरे के सर पे चढ़े रहते हैं। इतनी सी बात होती है और इतना बड़ा पतंगड़ बनता है, बस जैसे वेट कर रहे होते हैं कि कोई मुद्दा मिले। और फिर मतलब यहाँ पर इतना खाना, हर किसी के घर में इतना खाना बनता है, लेकिन इतना खाता कौन है? खाए जाते हैं, फिर इतना बड़ा मुँह खोल के डिकार मारते हैं कि खाना कहीं वापस बाहर निकले। और अगर बाथरूम चले जाओ बाथरूम में कोई आवाज देता है, मतलब बाथरूम नहीं जा सकते यार, पेट के प्रेशर का मसला हो गया। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सबके साथ, इश्यूज क्या है? दरवाजे खोलते हैं तो बस खोल ही जाते हैं, कोई नॉक नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता कि कोई है अंदर। जरा बेटा कुछ चाहिए, मुझे चाहिए, हाँ मुझे चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, I need some space। और तू पुत्र? दोपहर स्कूल के चाहिए, I need privacy, privacy, PRIVACY। अस्सलाम वालेकुम बीजी। नहीं देख, मेरा ढोलन आ गया। ढोलन आ गया तड़ा। मेरा पुत्र। तेरी आदत नहीं गई। तुम तो पता है मेरी आदत ना। नहीं बदल सकते हैं, खास तौर पर वो जोड़ी मैंने पसंद है। पता सी मैं जब मैं बिस्तर ते लग जावांगी ना, फिर ही तो आवेगा। कैसी गल करोगी? मिलन ते आ सकता सी ना, तेरी माँ नहीं पर पालिया ते मैं ही है ना तेनू। मिशी ताड़े तो बाद मेरे लिए कौन है? आपको पता है ना, इन सब को छोड़ता ही मैं। ते अपनी बीजी नू भी छोड़ देता ही। क्यों है? डॉक्टर ने बताया? उन तो आ गया ना, ठीक हो जाऊंगी मैं। क्यों हुआ ना? बीमार है और काफी बीमार। बीमार तो है लेकिन डॉक्टर को दिखाया है कि दवाई ली है, कुछ किया या नहीं? बड़े शाहजी से पानी दम करवाया था। दम?
बेजी की कर रहे हो? बड़े शाहजी से दम चुके असर होता तो मेरे से ना होता? सिकंदर बख्श को बुलाएं, अस्पताल लेके जाएं, टेस्ट कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, पता करवाएं कि क्या हो रहा है। जो रिपोर्ट्स हैं वो आप मेरे से शेयर करें और किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। कोई काम हो, कुछ हो, आपने सिर्फ मुझे बताना है और किसी से कुछ नहीं कहना, ठीक है? अरलिन, ना परेशान हो, ठीक है? पुत्र मैं ठीक हूँ, बस तू मिलन आ जाएगा। बेजी बस हुण तुसी अस्पताल जाओगे, इलाज कराओगे, डॉक्टर ने विखाओगे, ताई मैं आके मुंह विखाना। अच्छा ए दस, तू इन्ना कमजोर क्यों हो रहा है? को तेरा ख्याल रखने वाला नहीं है? पुत्र घर वापस आ जा। मुझे वो कहर नहीं मेरा, ना ही कभी सी। जिते तेरा साह घुट रहा हो तेरा कहर नहीं हो सकता। क्यों इन्ना अथरा है? जिथे अड़ जाता है उथे ही अड़ जाता है, ना कर जिद। बिजी तुसी फिर वही गल्लां कर रहे हो। अपनी जिंदगी है मेरी एक, जिस तरह मैं चाहना है मैं उस तरह गुजारना चाहना है, बस खत्म। अच्छा अच्छा परेशान ना, ठीक खुश रह, जिथे रह रहे ना उतना खुश रह। पर मेरी गल सुन, हुण आया है ना तो उत्थे मिल के जावी, इंज ना जावी। बात प्रेजी नहीं करनी। वो कह रही थी कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी। पर खान साहब वो होती क्या है? वो तुझे कैसे पता वो होती है या होता है? नहीं, नाम से लग रहा है ना प्राइवेसी, जनाना नाम लग रहा है। रख ले फिर अपनी फूफी तो। पहले पता भी तो चले कि मतलब क्या है इसका। और फुफड़ का ही रखना पड़ जाए। बंदा भला उर्दू में ही मांग ले जो चीज़ मांगनी है, अब हमें अंग्रेजी कहाँ से आती है? भाई आप लोग ये सोचो ना कि उसके पास क्या नहीं है, बस वही मांग रही होगी वो। हाँ ये बात तो है। वो कोई महंगी चीज़ ही ना मांग ली हो बाबाजी, उसे भी तो ख्याल करना चाहिए। अब हम उसे हर चीज़ तो नहीं दे सकते ना। वो याद आया, रिक्शे में एक बार एक जोड़ा बैठा था, उन्होंने कहा भाई साहब हमें प्राइवेसी मिल सकती है। मुझे पता ही नहीं था क्या है, मैंने कहा नहीं, फिर वो रिक्शे से उतर गए। अच्छा 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 अच्छा, मतलब रिक्शे की कोई चीज है। अब ऐसे उसे एक दफा आप रिक्शे पे छोड़ने तो गए थे यूनिवर्सिटी, हो सकता है ऐसी कोई चीज हो पुत्र। लेकिन अब्बा जी रिक्शे की कोई चीज उसे क्यों चाहिए होगी? हो सकता है यूनिवर्सिटी वालों ने मांग लिया। भाभी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ रिक्शे के स्पेयर पार्ट्स मंगवाए जाते हो यार? पाए ना आप रिक्शे को इजी ना लिया करें, बड़ी से बड़ी हस्ती जो है ना रिक्शे में सफर करती है। हाँ जी, सिकंदर आजम पौरा हिंदुस्तान रिक्शे पर ही आया था। हाँ है भाभी, भला ऐसी बात होती तो अब्बा जी के सामने क्यों कहती, हमें ना कहती अकेले में। हो सकता है गुस्से में उसके मुंह से निकल गया हो। हाँ लेकिन ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसको हमें भी नहीं पता? आप लोग गूगल क्यों नहीं कर लेते, खुद अंदाजे लगा रहे हैं। जब किसी चीज के बारे में पता ना चल रहा हो तो इंटरनेट से पूछ लो, गूगल सब बता देता है। अच्छा खान साहब, ये गूगल तो कोई बहुत पहुंचा हुआ पीर लग रहा है, इसको ट्राई करते हैं। अच्छा फिर गूगल से पूछ के बता के मैंने सवेरे क्या खाया था। चितर चा पापे, उसके अलावा मिलता क्या यहाँ पे? ओ पुत्र, टका आमदन नहीं है और बातें टके टके की करते रहना। अब्बा जी अब तो मैंने सुना है टका भी रुपये से ऊपर हो गया है, मोरा खुश रखिए, अब तो मैं अपना बदल लें। रुपया हमारा पता नहीं शर्मिंदगी से ही ऊपर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है आप लोग प्राइवेसी का मतलब जानना चाह रहे थे। आप पुत्र तरह पूछ अपने अंकल गूगल से। गूगल के मुताबिक प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट दैट अंडरपिन्स फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। Bow 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 b
जी, वैसे हमने देखा है आप जानवर चरेन परेन हयातात और नबातात सबका ही ख्याल रखती हैं, एक हम ही है जो आपको नजर नहीं आते। तो तू भी अपना बर्तन लाके यहाँ पे रख दे, मैं उस पर भी बचा हुआ खाना डाल जाए करूंगी। भाई हमारे कहने का मतलब था एक नजर करम की, दो लम्हे फुर्सत के हमें भी इनायत हो। अच्छा ख्याली मिर्जा? ख्याली नहीं, ख्याल में। जो भी है मुझे ये बता कितना पढ़ा लिखा है। भाई हम पढ़े लिखे नहीं, हम तो पढ़ते लिखते रहते, असल में किताबें ही हमारा ओढ़ना बिछोना है। कोई रजाई बिस्तरा कुछ नहीं है तेरे पास, किताबें ऊपर डाल के सोता है। भाई हमारे कहने का मतलब था। अच्छा जो भी मतलब था मुझे ये बता, ये प्राइवेसी क्या होती है? जनरली स्पीकिंग प्राइवेसी इंक्लूड्स द राइट टू बी फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस एंड इंट्रूजन। बेटा तर्जुमा करके बताओ, हम कौन सा अलीगढ़ से पढ़े हुए? खान साहब बात तो बताएं, ये अलीगढ़ पाकिस्तान में शामिल क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा मुंह देख के वापस मुड़ गया था। आप लोगों को कुछ नहीं समझना, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा तुम इन्हें छोड़ो और हमें समझाओ, लेकिन जरा आसान लफ्जों में दानिश। आसान लफ्जों में प्राइवेसी का मतलब है कि किसी के काम में टांग ना अड़ाई जाए, उससे ज़्यादा सवाल ना किए जाए, उसकी तन्हाई में बिना इजाज़त ना घुसा जाए, उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, एक ख़ास फासला रखा जाए और एक दूसरे का एहतराम किया जाए। ये निके जे लफ्ज का इतना बड़ा मतलब पुत्र? ये सारा लफ्ज मुझे समझा है, वो पुत्र चाहिए क्या उसे? उसे फासला चाहिए, हर वक्त जो आप लोग इसके सर पर सवार रहते हैं वो छोड़ दें, चलने फिरने उठने बैठने खाने पीने के थोड़े मैनर सीखे, आसान लफ्जों में तमीज और तहजीब सीखे। बस बेटा बस समझ गया। और यार दानिश तू ना किसी और गूगल से पूछ, खान साहब मुझे लगता है इस वाले गूगल को ना सही पता नहीं है। पुत्र गूगल केड़ा ताया सुखा है जिसके सितारों पर आए है। प्राइवेसी वही है जो हमें नहीं मिलती। तुझे भी प्राइवेसी चाहिए? प्राइवेसी तो हर इंसान की जरूरत है। ऊपर होती क्या है? प्राइवेसी कहते हैं वसल की उन अनमोल घड़ियों को जिनमें तन्हाई और कुर्बत यकसा मयसर हो। गंदी बातें कर रहा है, मेरे साथ शर्म नहीं आती, बताऊं अब्बा जी को जाके? भाई हम खुद से थोड़ी कह रहे हैं, असातिज़ा ने यही लिखा है फरंगे आसफिया में। असातिज़ा भी तेरी तरह ना वाहियात आती हैं, तेरी इन्हीं बातों की बेबरकती की वजह से ना परिंदों ने हमारी छत पे आना छोड़ दिया है। हिना जी परिंदे लौट आएंगे, बस आप छत पे आना ना छोड़िएगा। अच्छा भाई जैसे दानिश ने बताया है गूगल के मुताबिक हमें बहुत जमाने की जरूरत है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद अब जारा को और एक दूसरे को वो देंगे, वो जो गूगल ने बताया है। खान साहब वो तो समझ लग गई है, पर हमें करना क्या है वो बताएं। हाँ उसके लिए सबसे पहले हम जब भी एक दूसरे के कमरे में जाएंगे तो दरवाजा खटखटा के जाएंगे,
लेकिन अब्बा जी अगर कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला हो तो और सूरज जी से आप बह गया ना, और दरवाजा अगर खुला होगा तो वो हवा वो खांसी करके चले जाएंगे ना। लेकिन अब्बा जी अगर ऐसे हर जगह खास खास कर जाएंगे तो घर घर नहीं टीबी का वार्ड ज्यादा लगेगा नहीं। मतलब खान साहब जब आप मुझे आवाज दें तो पहले मैं बाहर खड़ा होके खांसू फिर अंदर आऊं। नहीं नहीं तू अंदर जाके खांस फिर तू बाहर आ। अच्छा ये भी हो सकता है। सही हाँ। अच्छा जी सवेरे सवेरे उठ के कोई बंदा भी खुरे में बैठ के अपना गला साफ नहीं करेगा है जी खान साहब। और अगर किसी को जरूरत पड़े ये एक्सरसाइज करने की तो जारा के यूनिवर्सिटी जाने के बाद। ये तो आपको घर से निकालने वाली बात हुई है बाजी, आपका तो ज्यादातर वक्त गुजरता ही खुरे में है। नहीं खुरे वाली बात से तो मैं भी सहमत हूँ, अभी बंदे की आंख खुलती नहीं अब्बा जी की खाऊं खाऊं शुरू हो जाती है। तो पुत्र बकरे हो जाओ अस्करी में कोठी डाल लो, अगर अब्बे की खाऊं खाऊं इतनी बुरी लगती है तो हाय अब्बे को सलनसन लगवा लो। अब्बा जी इन्हें छोड़े आप आगे बताएं और क्या क्या करना है। बेटे आपस में एक दूसरे से फासला रखना है जी खान साहब। मौला खैर करे फिर से कोरोना आ गया खान साहब। ओ खलो सोखिया। अच्छा जी चाय पीते हुए किसी ने सोड़ सोड़ नहीं करनी ना, और खाना खाते हुए भी पचाक पचाक की आवाज नहीं आनी चाहिए। तुम तो मेरे बेटे भी नहीं हो ओके, और ना ही को ऊंची आवाज में बात करेगा और ना टेलीविजन खान साहब ऊंचा लगना है समझ गए। और गाना भी बेटा दिल में ही गाना है, ऊंची रियाज की कोई जरूरत नहीं। बाजी ये प्राइवेसी मना रहे हैं कोई शौक मना रहे हैं। प्राइवेसी कोई बगैर पूछे सारा कि किसी चीज को ना हाथ लगाएगा और ना ही उससे कोई सवाल करेगा। समझ आ गई है या दोबारा बताऊं सारा। बस बोर हो गए बजी और कुछ लग गया बजी तू पहले ही काफी बोर कर चुके हो। ओए राजू ऐसे आना है बेटा आपका प्यार बड़ा फिट है वो, इधर आओ। शाजी हुक्म है कि आपको घर लाए। किसका हुक्म? बड़े शाजी का। हम घर नहीं वापस जाएंगे, लाहौर जाएंगे। शाजी हम तो आपके खादम हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर हम आपको ना लेकर गए तो हमारे साथ क्या होगा। आगे जो आपका हुक्म। और जी आदर साहब खैर हो गए बादशाह। और वसीम भाई फिर कब आ रहे हो आप टीवी पर? ओ आपके साथ के तो कब से टीवी पर आ रहे हैं। ऑफर्स तो बड़ी हैं पर मैं सोच रहा हूँ। ओ क्या सोच रहे हो वसीम भाई, ओ आप भी टीवी पर आओ। ओ हम भी अपने यारों दोस्तों और रिश्तेदारों में बड़े रौब के साथ कह सके हमारा यार हमारा भ्रा ओ वसीम मुलमला टीवी पर आता है। हाँ थिएटर में बड़ी मसरूफियत है, डिमांड ही बड़ी है तुम्हारे भाई की, फुर्सत ही नहीं मिलती। ओ थिएटर अब कहाँ रहा वसीम भाई, वो मैंने सुना है टीवी पे पैसे भी बड़े मिलते हैं। अभी साल से थिएटर पे काम कर रहा हूँ, खाली मैं बातें तो नहीं ना सुनने जा रहा। कोई जज का काम मिलेंगे तो गौर कर लेंगे उस पर, और वैसे भी हम परफॉर्मर लोग हैं परफॉर्म करके साथ हैं। ओ वसीम भाई आप तो टिकटॉकर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। ओ लवे मौला उन्होंने समान से शो ही होना कर। अच्छा अच्छा डाल रहा हूँ। और ये लो वसीम भाई, वैसे ना मैं जो बात कर रहा हूँ ना उस पर गौर करो और टीवी वाला काम करो यार। Thank you.
भाग भाग पीछे मुड़ना नहीं, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।